जय श्री राधे। धाम प्राप्ति और ब्रजराज प्राप्ति ये बहुत ही कठिन है। साफ साफ धाम के प्रति निष्ठा, धाम में निरंतर वास करने पर भी यह अप्राप्त रहती है। दिल और दिमाग हल जाता है। सेवा कुंज में एक गोपाल बाबा थे, मैं रोज देखता था। जीवन भर उन्होंने सेवा कुंज में बाहरी सेवा की है। विरक्त थे, उनके बारे में कोई राग द्वेष काम क्रोध की बात भी नहीं सुनी। अनेकों वर्ष, मेरे ख्याल 60 वर्ष तक, 60 वर्ष की आयु हो गई होगी, तो वो 10-15 साल के बताते हैं ब्रज में आ गए थे। पंजाब का शरीर था। उन्होंने रचनाएं भी की, रुस रुस खांदा मेरा रुस रुस के, आज भी सेवा कुंज में उन्हीं की आरती और उनके द्वारा रचित पद बोले जाते हैं। जब उनका अंतिम समय आया तो एक दिन पहले ही वो किसी सोनीपत में किसी भजन संध्या में गए। मुकंदहरि महाराज जी के शिष्य थे। वहाँ भजन संध्या में उनको कुछ तकलीफ हुई, तुरंत उनको दिल्ली लाया गया और दिल्ली हॉस्पिटल में शरीर शांत हो गया। सीधा सीधा कहा जाए तो शरीर शांत होने के लिए वो कुछ ही घंटे पहले धाम से उनको भगा दिया गया और उनका दिल्ली हॉस्पिटल में शरीर शांत हुआ। ऐसे अनेक केस हैं। एक अभी बहुत ही सिद्ध स्थान के महंत बाबा रात को 12 बजे तक ठीक हैं। 12 बजे उनको कष्ट होता है। आश्रम के साधु लोग उनको गाड़ी में डाल के यहाँ वृंदावन में स्थित एक रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहाँ डॉक्टर लोग देखते हैं, वो कहते हैं अभी तो इनका स्वास्थ्य कुछ संतोषजनक नहीं है, ले जाइए, इनकी सेवा करिए। वहाँ से गाड़ी में उनको वापस ला रहे होते हैं तो किसी का फोन जाता है, अरे अरे सुनो, मैंने डॉक्टर से बात कर ली, ऐसे कैसे ला रहे हो तुम, इनको मथुरा ले जाओ। 12:30 एक 1:30 बजे वो गाड़ी को दोबारा से मथुरा की तरफ मोड़ते हैं। वृंदावन की सीमा अक्रूर पर है, अक्रूर मंदिर बना हुआ है। अक्रूर से 2 किलोमीटर आगे जाते हैं, वहीं गाड़ी में उनका शरीर शांत हो जाता है और डेड बॉडी को लेके वो आ जाते हैं 3 बजे। ये स्पष्ट स्पष्ट दिखता है। ये संतों की बात बता रहा हूं, विषयी लोगों के तो बहुत ही उदाहरण है, एक नहीं 50 उदाहरण है कि विषयी लोगों की तो धाम में प्राप्ति होती ही नहीं है। उनको यहाँ से हॉस्पिटल में के बहाने मथुरा आगरा दिल्ली भगाया जाता है और वहां मर के बॉडी आ जाती है। लेकिन गोस्वामी गण, आचार्य गण, जो जीवन भर साधना में रहे, जीवन भर श्रद्धा पूर्ण भजन में रहे, उनको भी धाम नहीं मिलता है। यह एक आश्चर्य की बात है। एक तो ये शास्त्रीय सिद्धांत है कि धाम में जिसका शरीर जाता है उसको पुनर्जन्म धाम में ही मिलता है, और जिनका शरीर धाम में नहीं जाता है तो इससे तो एक बात ये सिद्ध हो जाती है कि उनका पुनः जन्म धाम में नहीं होगा। धाम में रहते हुए उन्हें धाम से बाहर फेंक दिया गया तो ये बात तो कहने की जरूरत ही नहीं है कि ना तो उनको राधा रमन जी की चरण सेवा प्राप्त हुई, ना निकुंज लीला प्राप्त हुई, ना नित्य लीला प्राप्त हुई। क्योंकि जब धाम में रह रहे हैं और मृत्यु के समय उनको बाहर फेंक दिया गया तो निकुंज में तो प्रवेश का स्वप्न में भी सवाल नहीं है। अपने आदरणीय गुरुदेव या आदरणीय गोस्वामी गणों के प्रति या आदरणीय जनों के प्रति हम श्रद्धा के कारण कहते हैं उनका तो चिंतन ही 24 घंटे चरणों में था, वो तो जहां रहे वहीं वृंदावन था, तो ऐसे अपवाद रूप में लाख 2 लाख में एक व्यक्ति या एक संत या एक भजननिष्ठ व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन ये सामान्य नियम नहीं है। इसके बाद होता क्या है कि उसकी डेड बॉडी को लाया जाता है और वृंदावन यमुना पर उसका संस्कार किया जाता है। तो अब इसको भी यदि दूरदृष्टि से देखें कि शरीर का संस्कार है, शरीर तो मिट्टी है, उसका वृंदावन में कर दो, चाहे दिल्ली कर दो, चाहे आगरा कर दो, जलाना है उसको जला दो कहीं, लेकिन फिर भी
क्योंकि दूसरी जगह कहीं संस्कार होता है तो फिर वो अस्थियां गंगा में विसर्जित होने जाती हैं। धाम में यमुना किनारे यदि संस्कार होता है तो ये भी एक शरीर का संस्कार ही है कि चलो अंतिम संस्कार धाम में हो गया तो वो आगरा में संस्कार होने वाले से तो भाग्यशाली है ही है कहीं ना कहीं। तो और उसकी अस्थियां भी तत्काल यमुना में विसर्जित कर दी जाती हैं तो सौभाग्यशाली वो सामान्य से अधिक तो है। उसकी गति क्या होगी? एक बिंदु जरूर है कि उसकी उसका संस्कार यहां हुआ, लेकिन यदि उसके प्राण धाम में निकलते हैं तो इस बात की तो गारंटी अवश्य है कि उसका पुनर्जन्म वृंदावन में होगा ही होगा, या वो लीला में प्रवेश कर जाएगा यदि उच्च कोटि का संत है। ऐसे उच्च कोटि के संत बहुत रेयर हैं, बहुत रेयर हैं। कोई एक आध करोड़, एक आध 10-20-50 लाख में कोई एक, या इतने छुपे हुए हैं जिन तक हम और आपकी पहुंच नहीं है उनका सहज में। एक अभी कल परसों कोई बता रहे थे कि बीमार हुए वैष्णव, उनकी धाम में निष्ठा थी, 20 साल से धाम में रह रहे थे। उन्होंने कह भी दिया था मैं बीमार हो जाऊं तो मेरे को बाहर मत ले जाना, और स्थिति ये बन रही थी कि वृंदावन में डॉक्टर्स वगैरह ने देखा तो उन्होंने कहा बस हम हमारे पास इनका जवाब नहीं है, अब इनकी सेवा करो। तो उन्होंने उनके जो देखभाल कर रहे थे उन्होंने मथुरा एक डॉक्टर से बात की कि आप यहाँ आके देख लें, तो डॉक्टर ने कहा मैं मथुरा तो मैं विजिट नहीं करता हूँ, आप पेशेंट को मथुरा ले आइए। और उनका अपॉइंटमेंट हो गया 2 बजे का, और 12 बजे गाड़ी को बुलाया गया था कि गाड़ी आ जाए एम्बुलेंस, उसमें उनको लेके जाएंगे, और उन्होंने 10:30 बजे सुबह ही शरीर त्याग दिया। ये ऐसे भी लोग हैं कि उनको बाहर ले जाने की बात हुई। ऐसा नहीं है कि मृत्यु तो निश्चित है, 10:30 बजे ही होनी थी। हो सकता है डॉक्टर ने 10 बजे का टाइम दिया होता, 8 बजे उसे ले जाते और रास्ते में वो मर जाते, लेकिन उनका उनकी मृत्यु उनका धाम में ही शरीर जाना था। अब धाम में शरीर क्यों नहीं जाता है, इसके लिए वही बात है कि भजन तो बहुत किया तो भजन का फल मिल जाएगा, लेकिन धाम के प्रति कहीं ना कहीं अपराध है। हम धाम में रह तो रहे हैं लेकिन अश्रद्धा से रह रहे हैं। अरे यार कहाँ पड़े हुए हैं, गंदगी है यहाँ पर, पानी नहीं आता है, बरसात है, धाम का सत्यानाश कर दिया, अब ये कोई धाम रह गया है, यहाँ तो बिल्डिंग बन गई है, ये ऐसा है ये वैसा है, यहाँ भजन नहीं होता है, इससे तो मैं अपने घर में ही भजन ज्यादा कर लेता हूँ, अमृतसर में ही मेरा भजन हो जाता है। तो ये धाम के प्रति अनिष्ठा है। धाम के प्रति अनिष्ठा होने से धाम के प्रति अपराध होता है, और धाम के प्रति अपराध होने से धाम अपनी गोद में शरण नहीं देता है। ऐसे ही बहुत सारी धाम में रह रहे हैं। अब मैं हूं, जैसे मेरा जन्म है धाम में, थोड़ा बहुत झूठा सच्चा भजन भी करता हूँ, अच्छे वैष्णव घर में भी जन्म है, लेकिन 360 दिन में 240 दिन में कथा प्रवचन करने के लिए धाम से बाहर रहता हूँ, तो ये धाम की उपेक्षा हो गई। अरे तुमको इतनी दुर्लभ वस्तु मिली है, धाम मिला है, वास मिला है, धाम छोड़ छोड़ के भाग रहे हो। अरे प्रचार घर में बैठ के कर लो, नहीं भी करो तो कुल मिला के हमारी प्रायोरिटीज प्रचार पर आ गई ना। अब एक गोस्वामी है, मेरे अभी कल पता चला है कि वो 6 महीने के लिए बाहर निकले हुए हैं और इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर प्रचार करेंगे। बताइए क्या धाम निष्ठा है, क्या उनको धाम मिलेगा? वो हुआ करें किसी भी मंदिर के गोस्वामी, अपराध क्षमा हो मेरा, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब बात चल रही है तो ये धाम के प्रति उपेक्षा है कि नहीं? कितनी दुर्लभ वस्तु आपको मिली हुई है, धाम वास, धाम में जन्म मिला, धाम में मंदिर के आप एक गोस्वामी बने हुए, और 6 महीने के लिए धाम छोड़ के प्रचार कर रहे हैं। अब प्रचार का उद्देश्य प्रचार है कि धन बटोरना है, ये आप जानो। ऐसे ही जो एक मैं इसके लिए बड़ा सरल उदाहरण देता हूं कि हम जैसे लोग जो हैं, या जो गोस्वामी लोग हैं, या जो भजनानंदी वैष्णव लोग हैं जो धाम में रह रहे हैं, वो लगभग उस तरह हैं जैसे बालक सांप सीढ़ी खेलते हैं ना। सांप सीढ़ी खेलते हुए, सांपों से डसाते हुए, सीढ़ियों पर चढ़ते हुए, दो दो चार चार नंबर आगे बढ़ते हुए 98 पर पहुंच जाते हैं। हम जैसे लोग, या ये जो आज पधारे हैं महाराज, इन जैसे लोग ये 98 पर होते हैं,
और 99 पर एक बहुत लंबा सांप होता है जो दोबारा से 4 पर पहुंचा देता है सबसे नीचे, और 100 पर कृष्ण चरण सेवा प्राप्ति, धाम प्राप्ति, ब्रज रज प्राप्ति होती है। अब 98 पर हम पहुंच गए किसी तरह से। 98 पर पहुंचने के बाद अब हमारे सामने दोनों हैं, एक तो मोटा सांप है जो 4 नंबर पर पहुंचा देगा, और 100 नंबर है जो हमारे जीवन की परिपूर्णता पर हमें पहुंचा देगा। 98 पर रहते हुए हमें इतनी सावधानी से अपने आचरण को, अपने भजन को, धाम निष्ठा को, वैष्णव सेवा को, धाम की उपलब्धता को, धाम की उपेक्षा न करने को, भजन के प्रति मुख्य बिंदु रखने को, प्रचार के नाम पर देश विदेश की यात्रा करना, प्रचार के नाम पर चेले बनाना और स्वयं अपना आचरण छोड़ देना, ये भी अनेक बार बात हुई है कि आचार और प्रचार ये वैष्णव की दो आंखें हैं। यदि वो आचार छोड़ देता है तो काना हो जाएगा, और प्रचार छोड़ देता है तो काना हो जाएगा, और ना आचार करता है ना प्रचार करता है तो वो एक अंधे मनुष्य की भांति है। और जो भजनानंदी वैष्णव हैं वो तो ये कहते हैं कि आप आचार करो, अपने आप प्रचार हो जाएगा, आपके आचरण से, आपके औरा से, आपकी क्रियाओं से भगवत भक्ति का प्रचार हो जाएगा। रूप सनातन गोपाल भट्ट आदि गोस्वामी जो है नगर नगर में ढिंढोरा पीटते हुए, कथा बांचते हुए नहीं डोले थे, धाम में ही रहे थे, बल्कि इधर उधर भटकते हुए महाप्रभु जी ने सब गोस्वामी पाद को भेजा, तुम वृंदावन जाओ, वहीं वास करो, वहीं नित्यलीला स्थलियों का उद्धार करो और वहीं भजन करो। तो आज जो गोस्वामी पाद का प्रचार है वो वैसा प्रचार किसी और गोस्वामी कथावाचक का है नहीं है। उन्होंने धाम में निष्ठा की। मेरे पूज्य पिताजी, जन्म पाकिस्तान में हुआ और 30-35 साल की अवस्था में धाम में आ गए, धाम में निष्ठित रहे। यहां उन्होंने व्यापार भी किया, व्यवहार भी किया, डॉक्टरी भी की, मकान भी बनाया, धन भी पैदा किया, लेकिन धाम में ही प्रचार का ग्रंथ सेवा द्वारा कार्य किया, धाम से बाहर नहीं गए कभी भी। जाते थे, ऐसा कोई उनका व्रत नहीं था कि वृंदावन नहीं छोड़ना है, लेकिन धाम की उपेक्षा नहीं, अनावश्यक घूमने के लिए, अनावश्यक प्रचार के लिए, वो भी कथा कह सकते थे, वो भी कहते थे, प्रवचन भी करते थे, मैं भी करता हूं, लेकिन उन्होंने वो गोस्वामी पाद का रास्ता पकड़ के और ग्रंथों का आस्वादन किया। उसका परिणाम क्या हुआ कि धाम निष्ठा उनकी देखिए कि शरीर जब उनका शांत हुआ तो अपने निज कक्ष में ही शांत हुआ। एक दिन पहले उनका बाह्य समाप्त हो गया, श्रृंगार भट्ट के शिष्य थे तो श्रृंगार भट्ट से लाई हुई रज पर उनको लिटाया गया। नाम संकीर्तन, अखंड नाम संकीर्तन महामंत्र का चल रहा है और उस महामंत्र संकीर्तन के मध्य में उन्होंने प्राण त्यागे। उत्तरायण था, गोपाष्टमी का दिन था, अक्षय नवमी के दिन उनका संस्कार हुआ। और क्या चाहिए मुझे बताइए, इसके अतिरिक्त क्या चाहिए। तो ये धाम निष्ठा से होता है। ये धाम में निष्ठा है तो धाम मिलेगा, धाम में निष्ठा नहीं है, भजन में निष्ठा है तो भजन का फल मिलेगा जो मिलना है, और धाम की उपेक्षा से धाम बाहर फेंक देता है। दूसरा जो संस्कार होना, वो मैंने कहा है कि आगरे जयपुर दिल्ली से संस्कार होने में, वृंदावन में संस्कार होना तो ठीक है, लेकिन संस्कार होना एक धोखा देना सा, उसमें हम समझे कि ब्रजरज प्राप्त हो गई, वृंदावन प्राप्त हो गया, नहीं, ये कदापि नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये है ही नहीं, ठीक है, थोड़ा सा बेटरमेंट है। इसलिए और धाम इसलिए भी फेंक देता है क्योंकि वचन है, ये शास्त्रीय वचन है कि धाम में मरने वाले को धाम में ही जन्म मिलता है। अब इसमें एक बात और बताते चले कि धाम में ही जन्म मिलेगा, यदि हमने धाम में रह के, धाम में क्रिमिनल भी तो है, कुकर्म करेंगे, दुष्कर्म करेंगे, व्यभिचार करेंगे, पाप करेंगे, तो पाप योनि मिल जाएगी, क्योंकि धाम में कुत्ते भी हैं, धाम में गधे भी हैं, गाय भी हैं, सुअर भी हैं, भेड़ भी हैं, बकरियां भी हैं, वो बकरे भी हैं जो ईद के दिन काटे जाते हैं। तो धाम में जन्म तो मिलेगा लेकिन फिर कर्म के हिसाब से मिलेगा। यदि आप भजन करते हुए धाम की निष्ठा में हैं तो पुनः किसी श्रेष्ठ वैष्णव के घर धाम में ही जन्म मिलेगा। और जो मैं कह रहा था कि हम लोग 98 पर हैं, यदि हमारा आचरण शुद्ध होगा, भजन होगा, धाम की निष्ठा होगी,
तो 99 वाले सांप से कूद के हम 100 पे चले जाएंगे और हमें या तो भगवत प्राप्ति, भगवत सेवा प्राप्ति हो जाएगी, नित्य लीला प्राप्ति हो जाएगी, निकुंज प्राप्ति हो जाएगी, नहीं तो एक और बेटर जन्म हमें मिल जाएगा, उस अगले जन्म में हमें धाम प्राप्ति हो जाएगी और हम 100 सांप सीढ़ी का एक चक्कर अपने जीवन का पूरा कर लेंगे। अन्यथा जो दूसरे लोग हैं 98 पर तो पहुंच गए पिछले जन्म के भजन के कारण, 98 पे सहज में नहीं पहुंचा जाता है, गोस्वामी सहज में नहीं बन सकता है कोई। गोस्वामी बनने का अर्थ ही है कि उसने पूर्व जन्म में कोई ना कोई ऐसा भजन, ऐसा तन, ऐसा मन, ऐसा धन उस विग्रह के प्रति समर्पित किया है कि वो उस विग्रह का, उस मंदिर का गोस्वामी बन गया। अब 98 पर तो पहुंच गया, अब उसके कर्म यदि दुष्कर्म हो गए, धाम के प्रति अपराध हो गया, भजन की उपेक्षा हो गई, वैष्णव की उपेक्षा हो गई, भक्ति की उपेक्षा हो गई, श्री विग्रह की उपेक्षा हो गई, तो 99 वाला उसको सांप खा जाता है और 99 के सांप से वो सीधा फिर से 4 नंबर पर पहुंच जाता है और 4 नंबर से फिर सांप सीढ़ी चढ़ते 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 जाने कितने जन्म, कितनी योनियां उसकी नष्ट हो जाती हैं। ये कहने की जरूरत नहीं है, ये आक्षेप जैसा है। अतः हम जहां भी रहें, जैसे भी रहें, भक्त का कहते हैं पतन नहीं होता है, तो पतन का अर्थ ये नहीं है कि वो आगे ही बढ़ेगा, बढ़ेगा पतन का अर्थ फिर वो फिर 4 में आ जाएगा, फिर भजन करेगा, फिर चढ़ेगा, फिर आएगा, वो भक्ति में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन ये सारी चीजें जो दिख रही हैं, ये सारे प्रश्न जो हमारे दिमाग को, हमारी बुद्धि को, हमारे मन को, हमारे भाव को झंझोर रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं मिलती है ब्रजरज, क्यों नहीं शरीर जाता है ब्रज में, देखते हुए भी कि ये ब्रज के प्रति समर्पित हैं, ब्रज में भाव में लगे हुए हैं, भजन में लगे हुए, क्यों नहीं इनको मिलती है ब्रजरज, क्यों नहीं इनको मिलता है वृंदावन धाम, क्यों नहीं इनकी मृत्यु होती है धाम में, क्यों मृत्यु के समय इन्हें एक दिन पहले, 4 घंटे पहले, 10 घंटे पहले जयपुर, दिल्ली, आगरा, बंबई भेज दिया जाता है, क्यों यहाँ तक, तो दिल्ली आगरा तो ठीक है, क्यों इन्हें एम्बुलेंस में धर के ब्रज की सीमा के बाहर जाते हैं और ब्रज की सीमा के बाहर 2 किलोमीटर जाते ही शरीर शांत हो जाता है और आधे घंटे में वापिस आ जाते हैं। ये प्रश्न अभी भी बना हुआ है। बहुत सारे जो तथ्य हैं वो मैंने निवेदन किए, लेकिन फिर भी इसकी क्लैरिटी, इसकी पत्थर साफ क्लैरिटी मेरे दिमाग में भी अभी नहीं है। और इस विषय में वैष्णवों से भी अनेक चर्चा की है, ये अदृष्ट है, ईश्वर जाने क्या बात है, क्या रहस्य है, क्या समस्या है। जय जय श्री राधे, हिताई गौर हरि बोल।